आज मैं आप लोगों के लिए दो रेसिपी लेकर आई हूँ। एक है नारियल की चटनी और एक है उत्तपम। ठीक है, पहले मैं चटनी बनाना हम सिखाते हैं। आइए चलिए, चटनी में हमारा क्या क्या लग रहा है वो मैं एक एक करके मिक्सी में डालती रहूँगी। कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको पीसना है। पर क्या क्या पड़ रहा है ये देख लीजिए। ये एक नारियल का गोला है, गोले का जो है टुकड़ा है, पर मैंने इसको छीला नहीं बेटा, देख सकते हो, इसको छीला नहीं, बस टुकड़ों में मैंने काटा है और कुछ नहीं किया इसको। ठीक है, इसको मैंने दिया ग्राइंडर में, मेरा इसका काम ख़त्म। और ये एक पूरा लहसुन है, उसको मैंने छीला है, और इसका आप कम ज़्यादा कर सकते हो। हमने अपने हिसाब से इसको कटोरी बनाया, और इसमें कम से कम 8 से 10 मिर्चा है और धनिया पत्ती, आप देख सकते कितना मैं दे रही हूँ। ये सारे बेटा पीसना है और कुछ करना नहीं है। और इमली का पेस्ट है ये बेटा, इसलिए पानी आप लोग दो बार तीन बार चला चला के देख कर उसके बाद पानी डालिएगा, फट से पानी मत डाल दीजिएगा, क्योंकि इमली के पेस्ट से भी ये आपका काफ़ी हद तक पिस जाएगा। ध्यान रखिएगा मैंने क्या क्या दिया है। और ये है काला नमक, काला नमक एक चम्मच नमक बेटा स्वाद अनुसार दीजिएगा, और सफ़ेद नमक मैंने आधी चम्मच लिया है। और मैं एक चीज़ यहाँ रखना भूल गई, दिखाना भूल गई, इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ बेटा। चीनी, आप लोग सोचो कि चटनी में चीनी क्यों डाल रही, एक चम्मच कम से कम आप चीनी ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि नारियल का चटनी में थोड़ा खट्टा मीठा तीखा अच्छा लगता है। ठीक है, अब मुझे बस इसको पीसना है और कुछ नहीं करना है। चलिए मैं इसको पीस के फिर उसके बाद दिखाती हूँ, उसके बाद मैं उत्तपम में क्या क्या डाल रही हूँ बताती हूँ। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों, ये देखिए चटनी पीसने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। मैं आप लोगों को तो टेस्ट नहीं करा पा रही, पर अगर आप लोग मेरे प्रोसेस में करेंगे तो बच्चों इसी तरह टेस्टी आएगा, बहुत अच्छा लगता है ये चटनी। और उसके बाद मैं उत्तपम बनाऊंगी, उसमें क्या क्या डाल रही हूँ बच्चों वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उत्तपम मैंने रेडी कर लिया। पहले मैं बैटर के बारे में आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। इसमें मैंने, ये तो क्वांटिटी में हम आपको कम दिखा रहे हैं, पर हम आपको एक अंदाज बता दे रहे हैं कि जैसे कि आधा किलो धुली उड़द की दाल ली है, और उसमें जो है उसको जो है मैंने 5 से 6 घंटा मैंने भिगो के रखा था, और उसके बाद जो है कायदे से अच्छे से धो के पीस के फिर मैंने 6 घंटा इसको मतलब यूं ही रख दिए थे पानी डालकर। और उसमें जो है 250 ग्राम सूजी डाले हैं, ध्यान रखिएगा 250 ग्राम सूजी, आधा किलो दाल और 250 ग्राम सूजी, ये दोनों चीज़ों को एक संग फेंट के मैंने ढाक के रख दिया था कम से कम 5 से 6 घंटा। जाड़े का मौसम है इसलिए इतना टाइम लेता है, पर गर्मी के मौसम में बेटा 3 से 4 घंटे के अंदर वो फूल जाता है। उसके बाद ये बैटर बना मेरा। अब उसके बाद मैंने नमक डाला इसमें स्वाद अनुसार, उसके बाद उस बीच में मैंने नमक नहीं डाला। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अगर समझने में आप नहीं समझ पा रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा फिर बताऊँगी। ठीक है, ये रहा बैटर। और अब है मैंने इसमें टमाटर, धनिया, मिर्चा और प्याज, मिर्चा और पनीर डाला है, और नमक है। और मैंने ये प्याज क्यों लिया है मैं अभी बताती हूँ, चलिए शुरू करते हैं। मैंने गैस, आप लोग से बात करते करते मैंने गैस जला दिया था बेटा, कि तवा थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं जल्दी से दिखा सकूँ। और भूनने के लिए मैंने दिखाना ही भूल गई, सॉरी बच्चों, हमेशा मैं गलती करती हूँ ना। आप भी सोचते होंगे क्या सिखा रही है। ये मैंने डिप किया और मैंने घी सॉरी बच्चों, ये मैंने एक कलची डाला, फिर आधी कलची डाला, इससे मोटा मत कीजिएगा तो सीखने में टाइम लग जाएगा। और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया, ढकने के बाद फिर मैं बाकी चीज़ें डालूंगी। ठीक है, एक सेकेंड, दो आधे मिनट के लिए कम से कम मैंने इसको ढका है। कहाँ तक पहुँचा देखिए, काफ़ी हद तक हो गया है। अब मैं इसमें प्याज, जो जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि पहले मैंने प्याज डाला, इस पोजिशन में डाल दीजिएगा वरना चिपकेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर खाने में। मैंने मिर्ची डाली, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, आप लोग अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा। और
फिर मैंने ये समझ लीजिए एक तरह से पिज़्ज़ा भी है। ये धनिया डाला मैंने और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला चुटकी भर, क्योंकि ये सब कच्चे कच्चे सब मैंने ड्रेस में तो नमक पड़ा नहीं है इसलिए मैंने इसमें नमक डाला। और थोड़ा सा पनीर पनीर डालने के बाद बेटा मैं फिर से ढकूंगी इसे। आज मेरे घर में तो रात को यही खाना बन रहा है, अगर आप लोग का मन हो तो आप लोग आ सकते हो। इसको मैं फिर से ढकूंगी उसके बाद मैं पलटूंगी, ठीक है। अब मैं देख लूँ क्या पोजीशन है मेरा, ये लगभग हो गया है तो मैं इसमें फिर से थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी। आप लोग चाहो तो बेटा मक्खन से भी बना सकते हो, मक्खन से भी बहुत टेस्टी बनता है। मैंने थोड़ा सा ऊपर भी डाला है क्योंकि मैं इसको पलटूंगी, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा दबा दीजिए और फिर पलट दीजिए तो ये कच्चा नहीं रहेगा और अंदर से टेस्टी आ बहुत ज़्यादा स्वाद आएगा इसका। थोड़ा सा दबा दीजिएगा आपका टेस्ट अच्छा आएगा। फिर मैं 2 मिनट से उसको ढकूंगी, थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा पर खाने में बहुत टेस्टी बनता है। चलिए अब देख लेते क्या हाल है इनका, क्या स्थिति है। देखिए बहुत खूबसूरत हुआ है। अब मैं थोड़ा सा तेज आंच कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सर्व कर दूंगी आप लोगों के लिए। आप लोग पहले खाइए फिर हम लोग खाएंगे। और बच्चों अगर पसंद आए तो बेटा प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कीजिए, मेरा प्रोत्साहित आप लोग बढ़ा नहीं रहेगा तो मेरी इच्छा बनती रहे फिर मैं नया नया डिश लाऊं आप लोगों के सामने। चलिए अब मैं इसको मैंने गैस इस समय बंद कर दिया है, बाकी का मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप लोग को देख। बच्चों आप लोगों के लिए पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरी इच्छाएं बढ़ाते रहिए तो मैं आप लोगों के सामने कुछ नया लाने की कोशिश करती रहूँगी जो इजी वे में आप लोग का हो जाए।